हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम YouTube का कवर पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो भी YouTube का चैनल है उसके ऊपर हम कवर पेज जो रखते हैं उसे हम फोटोशॉप में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे, मैंने पहले से किया हुआ है। हम हमारी फाइल्स में जाएंगे और हमारे कवर के लिए हमें कैसा कवर बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ नेट पे से फाइल्स डाउनलोड किए हैं और ये हमारे पास यूट्यूब कवर का एक ग्राफ है, उस पर बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्राफ को ओपन कर लेंगे। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा इतना जो पोर्शन है वो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे दिखेगा और इतना पूरा ये वाला पीसी पे दिखेगा, और ऐसा अगर टीवी पे कोई देखता है तो उसमें इतना बड़ा पोस्टर दिखेगा। तो हमें उसी के हिसाब से बनाना है। ये मैं फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक बेस ले लेंगे, हमारा बेस जो होगा। तो हमने एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है नेट पर से कोई भी, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, बेस हमारा आ गया है। अब हमें इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे हमने दूसरी कुछ फाइल्स ली है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल दबा के यहाँ से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आके हमें इसे एडजस्ट करना है, किस तरह के करना है हमें वो आप देख लीजिए, कॉर्नर टू कॉर्नर। इसका डुप्लीकेट हम कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट दबा के इसको ऐसे खींच लेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर अल्टर ई ए एच से हम इसको वर्टिकल हॉरिजेंटल करेंगे, यहाँ से यहाँ पर रख देंगे। फिर हम इन दोनों चैनल को मिक्स कर देंगे। इनको मिक्स करने के बाद दूसरा हमने जो भी लिया है उसको सेट करेंगे। समझो अभी ये फ्लावर लिया है हमने, तो इसको हम कॉपी करके इसको सिर्फ आधा ही कॉपी करेंगे। लासो टूल पे सिलेक्ट करेंगे, हमने ऐसा सिलेक्शन ले लिया है, रफ सिलेक्शन। अब इसे कॉपी करके हम हमारी फाइल में पेस्ट कर देंगे। अब इसे भी हमें उसी तरह से सेट करना है, इसको हमें फाइल को सेट करना है परफेक्टली। हमारे जो भी डिजाइन है उस पर अल्टी मारेंगे, अल्टर ई ए एच अल्टर ई ए बी में अल्टी मार के हम इसे सेट कर सकते हैं। भी उसी तरह से ये दोनों हो गए, इन दोनों को भी हम कंट्रोल ई दबा के मिक्स कर देंगे, मतलब ये दोनों लेयर एक साथ हो गए। दूसरा हमने जो डाउनलोड किया है उसे ओपन करेंगे, पेस्ट करेंगे, चैनल पे आके इसको खसाएंगे, कंट्रोल टी करके घुमा देंगे, राइट क्लिक करके 90 छोटा करके देखेंगे कहाँ पे आया हमारा फिगर। इसको अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे, इसको ये उतना सूट हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे रख के कैसा लग रहा है, फिर हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं अगर अच्छा नहीं लगा तो। इसको नीचे ले लेंगे, बटरफ्लाई को ऊपर ले लेंगे, ये जो परिंदा हमारा आ रहा है उसे हम ऊपर ले लेंगे, इसको नीचे रख दिया। वैसे हम दूसरा कुछ लेंगे, अभी समझो ये फ्लावर है, ये कुछ यूजेबल है नहीं लेकिन फिर भी हम देखते हैं यूज करके क्या होता है। चलो इधर इसको घुमा के ऐसा रख देंगे, परफेक्ट। इस तरह से हमने सब एडजस्ट करना है, प्लेस करना है परफेक्टली। अभी ये प्लेस हो गया है। अब हमारा इधर हम जो भी अपना लोगो है जैसे कि नाम है कोई तो उसको लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ त्रिशा डिजिटल, तो हमारा नाम लिख देंगे हम कैपिटल में त्रिशा, एंटर कर देंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। इसका फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपको अच्छा लगेगा वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंजन ले रहा हूँ रेगुलर बोल्ड, 100 कर देंगे, थोड़ा छोटा, जिस तरह से भी आप चाहे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एंटर। अभी मैं यहाँ पे दूसरा लिखूंगा डिजिटल, ओके। इसको भी हम साइजिंग कर देंगे, हमारा जो क्रिसा है उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे ही रखेंगे, एंटर कर देंगे।
ऐसे करके एंटर करके इधर सेट करेंगे, मतलब जो क्रीसा है उससे थोड़ा छोटा दिखेगा, मीडियम ज़्यादा नहीं, वैसे क्रीसा को भी इधर एडजस्ट करेंगे। परफेक्ट। अभी हमें इन दोनों चैनल को इफेक्ट देनी है, तो हम इफेक्ट कैसे देंगे, हमें इफेक्ट पैनल में जाके बिल्डिंग्स में जाना है। इफेक्ट बिल्डिंग में जाके बेवल्स एंड एम्बोस दिखा है, इधर हम एक बार क्लिक करके देखेंगे। आप देख सकते हो इधर आ रहा है इफेक्ट, हमने जो डिजिटल दिखाया उधर आ रहा है वो इफेक्ट। इस पर डबल क्लिक करके इधर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा एज दिख रहा है, इसमें एज आ रहा है। एम्बोस में जाके उसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं थोड़ा एडजस्ट। चेंज करके देख सकते हैं आप कोई भी, मैं यहाँ पे इनर रखूंगा। बराबर, इनर रखोगे तो आप इस तरह से आएगा कुछ। इसको हम हाईलाइट थोड़ा डेप्थ देंगे, यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, लाइटनिंग थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारा ओके हो गया। टेक्सचर अगर आप डालना चाहो कोई भी टेक्सचर, उसको हिसाब से इधर टेक्सचर आप डाल सकते हैं, अपना टेक्सचर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर एक क्लिक दिया है, यहाँ से हम आपको जो भी टेक्सचर आपके फ्रंट में चाहिए वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो फिलहाल मैं इसको नहीं देता हूँ। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो मतलब पीछे की साइड में आपको एक शेडो की तरह ये दिखेगा, उसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं ड्रॉप शेडो आ गया, हमारा जो शेडो है वो लाइट की तरह दिख रहा है। यहाँ से आप उसको एंगल देख सकते हैं, यहाँ से एंगल देख सकते हैं, किसी भी तरफ घुमाओगे उसके ऑपोजिट वो आ जाएगा शेडो, उसकी तरह से आपको घुमाना है। बस ये परफेक्ट लग रहा है। इसको हम लाइट भी थोड़ा दे सकते हैं, वाइट कलर में नहीं दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई है, उसको ऐसा दे सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल ब्लैक ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मल्टीप्लाई इधर ब्लैक, ओके, इसको हम ओके कर देंगे हमारा इफेक्ट। और इसी इफेक्ट को हम क्रीसा पे भी अप्लाई करेंगे। समझो अभी इफेक्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल, अभी इसको हम क्रीसा पे आके यहाँ पे आपको दिखेगा पेस लेयर स्टाइल, मतलब जो हमने यहाँ पे किया है वो यहाँ पे सेम हो जाएगा। थोड़ा आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इसको ये सारी चैनल को इस बैकग्राउंड पे मल्टीप्लाई करेंगे। समझो अभी ये वाला फिगर है, उसको हम यहाँ से एक इफेक्ट देंगे। नॉर्मल पे जाके आपको एक नीचे वाला एरो दबाना है, फिर आप उसको चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मेरे को ये ल्यूमिनिटी अच्छा लग रहा है वो मैं रखूँगा। इसको भी हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे। आप एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करके नीचे वाला एरो दबा के कर सकते हैं चेक। ल्यूमिनिटी, ये भी ल्यूमिनिटी परफेक्ट लग रहा है, इसे भी रूम में रखेंगे। अभी हमारा फ्लावर का है, अभी फ्लावर में हमको देखना है कि अच्छा कौन सा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें रखना है। बराबर, तो इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ल्यूमिनिटी, ल्यूमिनिटी अच्छा नहीं लग रहा है, मल्टीप्लाई नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल ही रखेंगे। और ऊपर से थोड़ा इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम सॉलिड कलर दे देंगे, ऐसा कलर हम येलो है हमारा थोड़ा, तो उसके हिसाब से हम ऑरेंज टाइप का दे देंगे या तो रेड टाइप का दे देंगे। और यहाँ से उसको बदल देंगे, ये हमारे अकॉर्डिंग बेटर है, इसको हम रखेंगे। अभी हम क्रीसा डिजिटल को थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे। इसका हमें कलर चेंज कर रहा है, तो हम सीधे इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, हम देख सकते हैं
सिलेक्ट करके यहाँ से ओके हमारा इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब हमारे ये जो दो चैनल है, ये हमारा दो चैनल, उसको हम इन सबके ऊपर लेके आएंगे, इसको भी हम रेडी कर देते। अब इन सबको हम ऊपर लेके आ गए, इसके ऊपर अब आप देख सकते हो इसकी जो इफेक्ट है पूरी इस तरह से आ रही है। अभी हमें थोड़ा इसमें और एडजस्टमेंट करना बाकी है, तो हम एडजस्टमेंट लेयर में जाइए, एक्सपोज में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा लाइट देंगे, यहाँ से ऑफसेट। अभी आप देख सकते हैं ये इफेक्ट लग रहा है, इसको ऑफ करेंगे तो ऐसा दिख रहा है, इसको ऑफ करेंगे तो ऐसा दिख रहा है। हमें सिर्फ ये बीच वाला सिलेक्ट करके थोड़ा एडजस्ट करना है। बीच वाले को सिलेक्ट करेंगे डब्ल्यू से, सिलेक्शन टूल डब्ल्यू से हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल एल करके लाइट कर देंगे, थोड़ा वहाँ से निकाल देंगे, मतलब निकल गया। हमने इधर से इसको पूरी तरह से निकाल दिया है, आप देख सकते हो। अब हमें इसको थोड़ा कलर करेक्शन करना है, बराबर इसके ऊपर आके इसको डिलीट कर देंगे, ऐसे अब डब्ल्यू का सिलेक्ट टूल लेके डिलीट कर देंगे, इसको भी हम थोड़ा लाइट कर देंगे, लाइट हो गया, पहले से थोड़ा लाइट हो गया, जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसमें उसको डब्ल्यू से हम सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा लाइट कर देंगे, लाइट में अच्छा नहीं लग रहा है उसको रहने देंगे वैसे। इसको हम यू करके सिलेक्ट करके कलर इसको दे सकते हैं, हमारे कलर के हिसाब से आएगा तब हम उसको रख देंगे। अभी रेड के साथ रेड मैच हो रहा है हमारे फॉन्ट्स के साथ, फॉन्ट के साथ मैच हो रहा है रेड के साथ, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा डार्क, यहाँ से लाइट कर देंगे, ओके। लेकिन हमारा शेडो की वजह से थोड़ा फॉन्ट दब रहा है, तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कंट्रोल में जाएंगे एम्बोज में, तो शेडो को हम थोड़ा इफेक्ट देंगे डार्क, इसका जो ओपेसिटी है वो हम थोड़ा डार्क कर देंगे बस, ओके। अब डिजिटल में हम इसको जाके इस इफेक्ट कॉपी करेंगे, इसकी जो इफेक्ट है इफेक्ट पे आना है, इफेक्ट पे आके कॉपी कर देना है हमें, कॉपी लेयर स्टाइल, रिसा में आके हमारे दूसरे फ्रंट में यहाँ पे आके पेस लेयर स्टाइल, जो हमारा ये है वो भी वैसा ही हो जाएगा सेम। आप देख सकते हैं कि पूरा एक लोगो बन गया है हमारे पेज के इस अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने हमारा बैनर कंप्लीट कर लिया है, पूरी तरह से एक नंबर दिख रहा है। आप इस तरह से अपने बैनर को बना सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के कवर पेज पर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।